चंद लाइनों की अपनी पंक्तियों के माध्यम से हम सबको प्रेरणा प्रदान करने आ रही श्रीमान हरेंद्र जी त्यागी साहब। माँ शारदे को नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सामने विराजमान छात्र छात्राओं, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं यकीन मानिए पूरे होश आवाज से कह रहा हूँ और इसको कहने मेरे कोई आपत्ति नहीं है, हिंदी दिवस को इस तरह से उत्सव के रूप में मनाना मैंने आज तक किसी ऐसे स्कूल में नहीं देखा। इस तरह से प्रदर्शनी लगाना और हिंदी के महनीय कवि जो भी हैं या जो स्वर्गीय हैं, ऐसे कवियों की महान रचनाएं श्री मूलचंद सर के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से बच्चों ने यहाँ प्रदर्शनी में लगाई है, निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया संदेश जाएगा और बच्चों का हिंदी के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात का संकल्प आपको लेना होगा कि ये हिंदी दिवस केवल सभागार तक सीमित ना रहे, केवल तालियों तक सीमित ना रहे, हम बाहर जाकर के अपने जीवन में हिंदी दिवस को और हिंदी को अपने आचरण में व्यवहार में उतारें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हमें मिले तो ऐसा नहीं कि उसको अधिक सम्मान देना है, हिंदी बोलने वाले का भी हमें पूरा सम्मान देना है और हिंदी की वास्तव में इज्जत करनी है, पूरा सम्मान देना है। मैं श्री सीमेंट लिमिटेड में पिछले 5 साल से इंजीनियर हूँ। बीटेक करने के बाद श्री सीमेंट में जॉब लगी, मूलतः धौलपुर से रहने वाला हूँ और कविता लिखना मेरा शौक है, क्योंकि जैसे आपको मूलचंद सर जैसे मिले हैं ऐसे ही हम हिंदी के अध्यापक मूलचंद सर जैसे मिले थे, जिनकी वजह से हमें हिंदी में बहुत रुचि मिली और जिसकी वजह से साइंस फील्ड के विद्यार्थी को हिंदी में रुचि मिली और वो आदमी कविता लिखने लगा। अब आप देखिए, जिस आदमी ने बीटेक हिंदी को कोई वास्ता ही नहीं है, हिंदी केवल 12th तक ही पढ़ी है, और वो व्यक्ति बीटेक में कविता लिखता है, क्योंकि मूलचंद सर जैसे गुरुजी हमें भी मिले जिन्होंने हिंदी में रुचि को बढ़ाया। तो जिस तरह से कवि सर ने अभी जो कविता सुनाई पूरे जोश के साथ, तो मुझे भी अपने सर की याद आ गई, वो भी इसी तरह से कविता का वाचन करते थे। और जब ऐसे गुरु मिलते हैं तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी के मन में हिंदी के प्रति अभिरुचि बढ़ती है। तो ऐसे सर को और आप सभी जो सर के आशीर्वाद में हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी के सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कविता लिखता हूँ तो एक कविता सुनाना चाहता हूँ और उस कविता का शीर्षक है पिता। हमने धरती पर भगवान की संज्ञा माँ को दी है, माँ को हम भगवान मानते हैं लेकिन पिता का योगदान भी कहीं कम नहीं है। अपने अपने पिता को केंद्र में रखिएगा कविता सुनते समय, अपने अपने पिता की छवि अपने दिमाग में रखिएगा और आपकी तरफ से आप अपने पिता को क्या कहना चाहते हैं, पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व तो है और पिता के प्रति हमारा क्या संकल्प होना चाहिए, ये मैं कविता में उतारने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। अपनी बीमारी को किसी से बताया नहीं, अपनी बीमारी को किसी से बताया नहीं, किस हालत से गुजरे आप कभी जताया नहीं। पिताजी कितने भी बीमार हों, कैसी विषम परिस्थितियों में हों, लेकिन अपने बेटे के सामने पूरी तरह खड़े रहते हैं स्वस्थ तरीके से कि बच्चे के ऊपर कहीं नकारात्मक असर ना हो। तो सुनिएगा, अपनी बीमारी को किसी से बताया नहीं, किस हालत से गुजरे आप कभी जताया नहीं। दुख में भी होठों पर मुस्कान सजा कर रखना, दुख में भी होठों पर मुस्कान सजा कर रखना, गरीबी में भी औलाद को रईस बनाकर रखना। दुख में भी होठों पर मुस्कान सजा कर रखना, गरीबी में भी औलाद को रईस बनाकर रखना। पेशानी, पेशानी बोलते हैं माथे को, पेशानी पर कभी दर्द न दिखने दिया, पेशानी पर कभी दर्द न दिखने दिया, किसी भी हाल में जमीर न बिकने दिया, किसी भी हाल में जमीर न बिकने दिया। अभावों में खुशियां बिखेरने की आपकी कला,
पिताजी के पिताजी को संबोधित करते हुए पढ़ रहे हैं, अभावों में भी खुशियां बिखेरने की आपकी कला, इतना टूट कर भी कोई समर सकता है भला, इतना टूट कर भी कोई समर सकता है भला, हमारी अच्छी नींद के लिए हम अच्छे से सो जाएं, इसके लिए पिता ने बहुत त्याग किया है। सुनिएगा, हमारी अच्छी नींद के लिए पिताजी कई रातें ना सोए हैं, हमारी अच्छी नींद के लिए पिताजी कई रातें ना सोए हैं, बच्चे कमजोर ना पड़ जाएं, इसलिए बंद कमरे में रोए हैं। बच्चे कमजोर ना पड़ जाएं, इसलिए बंद कमरे में रोए हैं। जिसने खुद का पूरा जीवन हम पर कुर्बान किया है, और इस सभागार में आज हिंदी दिवस पटना स्कूल में एक हम संकल्प मिलना चाहते हैं पिता के लिए, जिसने खुद का पूरा जीवन हम पर कुर्बान किया है, पूज्य पिताजी के लिए हमने ये संकल्प लिया है, उनकी आंखों में हम आंसू नहीं आने देंगे, अपने पिता को वृद्धाश्रम नहीं जाने देंगे। जिसने खुद का पूरा जीवन हम पर कुर्बान किया है, पूज्य पिताजी के लिए हमने ये संकल्प लिया है, उनकी आंखों में हम आंसू नहीं आने देंगे, अपने पिता को वृद्धाश्रम नहीं जाने देंगे। और खुद से भी ज़्यादा जिसे औलाद की चिंता है, खुद से भी ज़्यादा जिसको औलाद की चिंता है, दुनिया में ऐसा शख्स अकेला एक पिता है, दुनिया में ऐसा शख्स अकेला एक पिता है। और आप भी जब कमाओगे तो आपको एहसास होगा, और ये हर युवा का एहसास है कि अपने दम पर बस जरूरत के सामान लिए हैं। जब हम कमाते हैं तो हमारे शौक तो नहीं रहते, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तब मैं कह रहा हूँ अपने दम पर बस जरूरत के सामान लिए हैं, पर पिता के पैसे से शौक पूरे किए हैं, पर पिता के पैसे से शौक पूरे किए हैं, और मंजिल के दोनों छोर मेरे हाथ में हैं। आपके ऊपर पिता का साया है, आशीर्वाद है, आपके सामने पिता ढाल बनकर खड़े हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। कैसे? कि मंजिल के दोनों छोर मेरे हाथ में हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, पिताजी साथ में हैं। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, पिताजी साथ में हैं। और पिता और माँ, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये जब डांटें तो उसको उनके ऊपर लाल आंख नहीं, उनको प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए उस तरह से, क्योंकि वो हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हमें कभी कभी डांटते हैं। तब कह रहा हूँ कि कभी कभी तो ये जीवन बेलगाम कुछ ज़्यादा था, मतलब जब हम अनियंत्रित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत संगति में पड़ जाते हैं, तब कह रहा हूँ पिता का महत्व कब आता है। कभी कभी तो ये जीवन बेलगाम कुछ ज़्यादा था, पिता तुम्हारी डांटों ने ही अनुशासन में बांधा था, पिता तुम्हारी डांटों ने ही अनुशासन में बांधा था, और मेरी उंगली पकड़ी और मंजिल को दिखा दिया। अपने पिता को केंद्र में रखिए, मेरी उंगली पकड़ी और मंजिल को दिखा दिया, जब मैं थक कर बैठ गया तो कंधे पर उठा लिया, जब मैं थक कर बैठ गया तो कंधे पर बिठा लिया। इस कविता की अंतिम दो पंक्ति हैं कि पिता का महत्व कितना है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे छात्र हैं प्रेरणा स्कूल के, लेकिन फिर भी इस कविता के बाद पिता के प्रति, माँ के प्रति आपका और दायित्व बहुत प्रबल होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो कविता की अंतिम दो पंक्तियां कि हमारे पालक में खपा दी जवानी, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो पिता हमारे जवान थे, उन्होंने अपनी जवानी खपा दी हमें बड़ा करने में। तब कह रहा हूं कि हमारे पालन में खपा दी जवानी, झेली है आपने लाख परेशानी, सच कहूं तो आप आकाश से भी बड़े हो पापा, सच कहूं तो आप आकाश से भी बड़े हो पापा, मैं हर जंग जीत लूंगा क्योंकि तुम खड़े हो पापा।